नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैनन चार्जर के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो लग रहे होंगे, तो यहाँ ओरिजिनल ये कैनन का है और ये मैंने डुप्लीकेट चार्जर लिया है। क्या दोस्तों, कभी कैनन या किसी भी कैमरे के चार्जर खराब होते हैं? और मेनली मैं प्रॉब्लम बता दूं आपको, तो यहाँ पे तब आप बैटरी लगाते हैं, तब आपने फुल चार्ज लगाई तो ग्रीन लाइट जल जाती है, और तब आप बैटरी खाली होती है तो जो रेड लाइट है, ऑरेंज लाइट, रेड नहीं होती, ऑरेंज लाइट जो होती है वो चार्जिंग वाली कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या प्रॉब्लम आ जाती है, तब आप बैटरी लगाते हैं तो ब्लिंक करने लगता है, मतलब चार्जिंग नहीं होती है बैटरी की, और लेकिन ब्लिंक करने लगता है। तो दोस्तों एक बार लाइव डेमो समझते हैं और पूरी डिटेल इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आप ये पूरी वीडियो देखते हैं। तो चार्जर से रिलेटेड और बैटरी से रिलेटेड, आपकी DSLR आप कैमरा यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, तो कभी आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम दो अडैप्टर के बारे में बात करेंगे। कैनन की ओरिजिनल बैटरी है, तो यहाँ पे कैनन का ओरिजिनल चार्जर है जिसमें क्या प्रॉब्लम है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो इसका अडैप्टर प्राइस है 4000 रुपये का, और आप किसी लोकल शॉप से खरीदते हैं तो ये आपको 3-3.5 हज़ार रुपये का ओरिजिनल अडैप्टर पड़ जाता है। लेकिन सेम पावर, सेम सब कुछ, तो ये जो अडैप्टर पड़ता है आपको वो मात्र 450 या 500 रुपये की रेंज में पड़ जाता है। आप इसे ऑनलाइन में खरीद सकते हैं और ये आपको लमसम 2500 रुपये से कम का नहीं पड़ता। अब आती है क्या प्रॉब्लम आ जाती है चार्जरों में। तो यहाँ पे ओरिजिनल बैटरी आप देखेंगे तो सारी स्पेसिफिकेशन बैटरी की ओरिजिनल है। तो इसे चार्ज करते हैं तो यहाँ पे इसे मैं पावर ऑन करूँगा तो पावर ऑन किया हमने। यहाँ पे पावर ऑन होने के बाद अब ये चार्जिंग दिखा रहा था और उससे पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। क्या दोस्तों इस तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि शुरू में तो ब्लिंक कर रहा था, मतलब चार्जिंग नहीं कर रहा था, अब ये चार्जिंग करने लग गया है। कुछ देर के बाद ये फुल भी दिखा देगा, इंडिकेट कर देगा। तो दोस्तों क्या अब ये प्रोसेस मैं दूसरे चार्जर के साथ करूँ? यहाँ पर हटा के हम फोटोन का जो चार्जर है जो सस्ता मिलता है, इसमें जो लोकल है यहाँ पे पावर ऑन होती है तो इसकी दोनों ग्रीन लाइट जलती है, और जैसे ही इसे मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ तो रेड जल जाती है। ये फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे ये दोनों लाइटें जो हैं वो ग्रीन हो जाएंगी। अब हम वापस जाते हैं अपने ओरिजिनल चार्जर पे। तो मैंने क्यों इसे ख़रीदा और क्यों इसे, क्योंकि यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे सेंटर में कर लेते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे ये ने फुल इंडिकेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये लोकल चार्जर है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमारे अडैप्टर में होती है या बैटरी में होती है, वो बात आगे वीडियो में करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे कैमरे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है कि बैटरी कंटिन्यू जो है वो ब्लिंक करने लगे। जो इसका ओरिजिनल चार्जर होता है उसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि तब आप लगाते हैं तो रेड लाइट जो है, चार्जिंग लाइट जो है वो कंटिन्यू चलती है, लेकिन ब्लिंकिंग लाइट चलने लगती है, मतलब बंद जलती है, बुझती है। डैट मीन्स ये है कि ये चार्जर चार्ज नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, मेरी तरफ बहुत सारे लोग नया चार्जर खरीद के लेके आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कभी भी चार्जर में नहीं होती। एक्चुअली बताऊँ तो प्रॉब्लम होती है हमारी बैटरी के अंदर। अब बैटरी में क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैनन की या DSLR की बैटरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। डैट मीन्स ये है कि आप ये जो प्रॉब्लम आती है आपको 6 महीने या 7 महीने आफ्टर, मतलब मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट होती है वो 1.5 साल के बाद आपको फेस होगी इस तरीके की प्रॉब्लम। डैट मीन्स ये है कि जो बैटरी है आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे कि आप दिन में कम से कम 10-12 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, या आपने बैटरी रखी रहती है उसमें, मतलब कैमरे में ही लगा के छोड़ दिया और इत्तेफाक कैमरा ऑन रह गया, बहुत दिन के बाद देखा तो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब यह है कि बैटरी की जो पावर है अब वो पहले जो बैटरी 100% यूज़ हो पा रही थी, 100% चार्ज हो पा रही थी, अब वो 100% चार्ज नहीं हो पा रही है। मतलब यह है कि इसका जो बैकअप था वो भी कम हो गया, और जो आप पहले कम से कम एक बार फुल चार्ज करने पे 40-45 या 50 मिनट तक की वीडियो बना पाते थे, अब आप मात्र 25 मिनट की बना रहे। तो ये चार्जर इतने स्मार्ट होते हैं, ये पहचान लेते हैं कि बैटरी के अंदर वो पावर नहीं बची तो ये चार्ज ही नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ब्लिंकिंग कर रही है तो आप ये पॉइंट भी गंदे हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप साफ़ करें, बैटरी के पॉइंट साफ़ करें तब भी ब्लिंक कर रही है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आप बैटरी बदल लेते हैं तो ये बैटरी जो है इसकी ओरिजिनल
हर किसी कैमरे की डिफरेंट डिफरेंट आती है, ये नहीं कहूँगा। ये मेरे पास कैनन का 1300D है जो कि नॉर्मली इसकी बैटरी पड़ जाती है मुझे, मैं लोकल में खरीदता हूँ तो 800-900 रुपये की, इसकी ओरिजिनल बैटरी 2000 रुपये की पड़ जाती है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको अडेप्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ बैटरी चेंज कर लें या आप किसी भी ऐसे मतलब शॉप पर जाएँ जहाँ पर कैमरे का काम वाम चलता है, तो वो आपको उस कैमरे की बैटरी अपने चार्जर में लगा के चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट क्लास वर्क करेगा। लेकिन आपको बैटरी की पूरी जान निकालनी है मेरी तरह और बैटरी नहीं खरीदनी, तो आप 400 रुपये का अडेप्टर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये इतनी सेंस नहीं करते ना, ये इतने सेंसिबल होते हैं, ये डायरेक्टली चार्ज करता है। इससे कोई ये मतलब नहीं है कि बैटरी की पावर या बैटरी जो बोल्ट उसे चाहिए वो बोल्ट नहीं ले रही है, क्योंकि इस बैटरी में चिप लगी होती है, मतलब सेंस जो छोटी वाली चिप लगी होती है उससे ज़्यादा कम या बढ़ती मतलब वोल्टेज जाते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है इसे, तो इसे मालूम चल जाता है कि भाई साहब ये तो ख़राब हो गया बैटरी, अब इसे चार्ज नहीं करना। लेकिन ऐसे अडेप्टरों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बिल्कुल लास्ट तक मतलब बैटरी के अंदर फूल जाए फटने वाली हो तब तक भी ये चार्ज करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम है कि बैटरी फुल चार्ज होती है तो ये रिफ्लेक्ट करके बता देता है, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये शायद उस टाइम भी कंडीशन वो चार्जिंग नहीं रोकता, कंटिन्यू चार्ज करता रहता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि बैटरी एक बार फुल हो गई मतलब 100% चार्ज हो गई, उससे 5% कम भी है, 95% भी चार्ज है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये चार्ज नहीं करता और ये कटआउट हो जाता है। लेकिन बैटरी 100% से 1% भी नीचे चली गई तो ये फुल चार्ज करते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों की मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके कोई सा भी अडेप्टर हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम ये हो, किसी भी तरीके का किसी भी सेम बॉडी का अडेप्टर हो, क्योंकि कैनन की किसी भी मतलब बात करूँ मैं कैमरों में यही प्रॉब्लम रहती है कि लोग अडेप्टर चेंज कर लेते हैं बैटरी नॉर्मल चार्ज होने लगती है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम जो आई होती है वो बैटरी में आई होती है, अडेप्टर बिल्कुल सही है। मैंने क्या करा, मैं गया दुकान वाले के पास, दुकान वाले ने मुझे एक्चुअल कंडीशन नहीं बताई, लेकिन फिर मैं बाद में समझा इसे, इसलिए मैंने आपको शेयर करी। तो यहाँ पर कैमरे की बात करूँ तो दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, अभी मुझे मतलब मैंने इसे 3 साल हो गए मुझे खरीदे हुए, लेकिन आज भी मेरे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बिल्कुल खड़ा उतरता है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिसके पास DSLR है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसके पास ज़रूर फेस होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी शेयर कीजिएगा, कहीं भी शेयर कीजिएगा जरूर। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।